सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने इस बार नीट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया था, उनके अच्छे नंबर हैं और वो चाहते हैं इस बार नीट के ज़रिए MBBS BDS में एडमिशन लेना या फिर आयुष कोर्सेज जो हैं उनमें एडमिशन लेना। तो जो नीट की काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है, आप सबको पता है काउंसलिंग दो पार्ट में होती है। एक होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, एक होती है स्टेट कोटा काउंसलिंग। AIQ में टोटल MBBS सीट्स की 85% सीट्स काउंट की जाती हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे एम्स हो गया, BHU हो गया, इनकी 100% सीट्स इसी में एड ऑन होती हैं। फिर AIQ के बाद बात आती है स्टेट कोटा काउंसलिंग की। इसमें हर स्टेट की 85% सीट्स जो हैं वो एड ऑन की जाती हैं। काउंसलिंग होती है 4 फेजेस में होती है। पहला होता है फर्स्ट फेज काउंसलिंग, फिर सेकंड फेज, फिर मॉप अप राउंड काउंसलिंग और फिर आती है स्टिव वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। अब मैं आपको और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ, चाहे डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो या फिर आपको काउंसलिंग में कैसे अपीयर होना है। क्योंकि बहुत से बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, वो काउंसलर को हायर करना चाहते हैं और वो आपसे 10,000-20,000 की फीस मांगता है। आप बिना किसी काउंसलर की हेल्प से भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और नीट की काउंसलिंग में आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए काउंसलिंग का सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना, जिन बच्चों के नंबर 630 से ज़्यादा हैं, 650 समथिंग है, 640 हैं, 630 प्लस वाले, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उनको ऑल इंडिया कोटा में कोई ना कोई MBBS सीट मिल जाए। लेकिन कोई ना कोई MBBS सीट लेने से अच्छा ये है कि जिस सीट पे या जिस कॉलेज में आप MBBS करना चाहते हैं उसके बारे में रिसर्च किया जाए। अब रिसर्च ये कहता है कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो ये कि वो कॉलेज कब स्टेबल हुआ था, कितने बैचेस वहाँ से जो निकल चुके हैं MBBS करके उनका क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है, वहाँ पर कैसी फैकल्टी है, रैगिंग की क्या चीज़ें हैं। ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को देखना चाहिए। और आपके घर के आसपास से कौन नियरेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ रहते हैं या जो आपके नियर हो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, दूसरी बात, जिस कॉलेज में आप MBBS एडमिशन लेने वाले हैं उसकी रैंकिंग क्या है, क्योंकि हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग देता है, तो वो रैंकिंग क्या है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि जो है जिस कॉलेज में आप जाने वाले हैं उसकी फीस की फैसिलिटी क्या है, फीस कितनी पड़ती है, हॉस्टल चार्जेस कितने हैं, क्या वो कोई एडिशनल चार्जेस ऐड ऑन करता कि नहीं करता है। तो अगर इन 3 बातों को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने लिए एक बेहतर कॉलेज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बारी आती है कि सर कैसे लिस्ट प्रिपेयर करें। तो भाई गूगल पे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। आप सबसे पहले एक काम करिए कि आप अपने, अगर आप स्टेट कोटा में अपेयर होना चाहते हैं तो आप स्टेट कोटा काउंसलिंग की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाएँ, उस पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप न तो कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे और ना ही आप MBBS BDS या फिर आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और अगर आपके नंबर उन कॉलेजेस की कट ऑफ लिस्ट में आता है तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं। अदरवाइज जो नंबर आपके, मतलब जो कॉलेज आपके नंबर के अकॉर्डिंग बेटर है वो कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है। ठीक है, अब काउंसलिंग में अपेयर होना है तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं सुन लीजिए बहुत ध्यान से। नीट का एडमिट कार्ड पहली चीज़, नीट का स्कोर कार्ड और रैंक लेटर वो दूसरी चीज़, आपका एडमिट कार्ड हो गया स्कोर, अब आपको थर्ड आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फोर्थ आपके पास 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, फिर 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो होना चाहिए। SC ST जो SC या ST कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट प्लस इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके नीट की काउंसलिंग में काफ़ी आपको हेल्प करते हैं आगे के प्रोसेस में इनरोल करने के लिए। ठीक है, अब जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है, वो होता है पेमेंट करें तो पेमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग या सेंटर लॉक करना होता है। तो चॉइस आप कम से कम 5 कॉलेज को लेके चलिए, 5 ऐसे कॉलेज जो अगर आप स्टेट कोटा में हैं तो कौन से आपको पसंद है, क्योंकि फीस आपके बजट में है, कौन के मैनेजमेंट वो, अगर आप स्टेट में हैं या सेंट्रल में है तो सेंट्रल की 5 कॉलेज, कम से कम 5 कॉलेज तो आपको प्लान करने ही करने हैं।
ठीक है। अब ये कॉलेज मैंने आपको तीन बातें बताई कैसे सिलेक्ट करनी है, रैंकिंग वाइज फैसिलिटीज क्या की है और फीस क्या है। लेकिन एक अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपके स्टेट कोटा काउंसलिंग में लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी किस कॉलेज की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। सपोज डेट अगर आप यूपी से हैं और यूपी में लास्ट ईयर आपको 640 पे KGMU मिला था या 45 पे KGMU मिला था और इस बार आपके नंबर 650 प्लस हैं, तो आप KGMU को अपने विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपके नंबर 610 हैं और लास्ट ईयर 640 पे बच्चे को KGMU मिला था, तो आप KGMU की लिस्ट में ऐड ना करें क्योंकि इतना कट ऑफ कम नहीं जाएगा। अगर लास्ट ईयर 610 पे बच्चे को राम मनोहर लोहिया जो मेडिकल कॉलेज वो मिला था, तो आप उसको ऐड करें अगर आपके 5 नंबर 10 नंबर ज़्यादा है समथिंग है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है कॉलेज को लिस्ट प्रिपेयर करने का। अब जब आपके कॉलेज की लिस्ट बन जाएगी तो आप 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर उनको सेलेक्ट कर लीजिए। अब चॉइस लॉक के बाद सेंटर जब आपका लॉकिंग सिस्टम होगा तो लॉक कर लीजिएगा और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको कॉलेज वो अलॉट कर दिया जाएगा। जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको आपकी जो काउंसलिंग की साइट से वहाँ से मैसेज मिलेगा, उस बेस पर आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आप आगे के प्रोसेस में फीस वगैरह दे देंगे और फिर आप आगे चीज़ें इनरोल कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन नीट की काउंसलिंग को लेकर। स्टेट कोटा काउंसलिंग अलग अलग स्टेट्स की होती है जहाँ पर काफ़ी आसानी होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप जिस कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, करने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप उसी स्टेट से PG करेंगे तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा और अगर आप PG नहीं करेंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो MBBS करने से पहले PG का भी प्लान कर लीजिएगा क्योंकि PG भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप आगे की तरफ सोचते हैं। तो MBBS के साथ PG का भी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन करिएगा। सो आई थिंक गाइज कि आपको आपके सवाल का आंसर मिला होगा जो बच्चे फर्स्ट टाइम थे। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके ही शब्दों में, आपके ही तरीके में आपको समझाने का प्रयास करें। इस बेहद छोटी सी वीडियो में तो ही आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।